मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में लिहपुर दूसरा दौरा, छात्र छात्राओं में बांटे लैपटॉप स्मार्टफोन नियुक्ति पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ का उद्बोधन। 7 साल पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, महिलाएं और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। आज उत्तर प्रदेश राज्य निवेश के लिए सबसे अच्छे स्थलों में से एक के रूप में उभरा है। हमने करोड़ों लोगों को नौकरियां प्रदान की हैं। यूपी सरकार एक मेगा पुलिस भर्ती अभियान चलाएगी, जिसमें 60,000 से ज़्यादा युवाओं की भर्ती की जाएगी। 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सपा के नेता बलात्कारियों का समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये भी है कि मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, जिस पर समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद का कब्जा था। फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद मिल्कीपुर की सीट खाली हो गई थी और इस पर चुनाव होना है। योगी आदित्यनाथ का दूसरा दौरा है और कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर वह पूरी तरह से अपनी तैयारी को बना रहे हैं और कार्यकर्ताओं में मूल मंत्र देने का काम कर रहे हैं। मंच के माध्यम से छात्राओं में लैपटॉप, स्मार्टफोन व नियुक्ति पत्र दिए। उपचुनाव को लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की चूक नहीं होने देगी और प्रत्याशी को भारी मतों से जीतने का काम करेगी। इस बार मिल्कीपुर व कटेहरी की सीट पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी निगरानी रखी हुई है और लगातार दौरा कर रहे हैं। 1,62,00,000 से अधिक नौजवान इस निवेश के माध्यम से अब तक नौकरी और रोजगार प्राप्त किए हैं। स्वरोजगार के लिए 1 District 1 Product की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा की योजना, पीएम समिधि की योजना, पीएम रोजगार की योजना जैसी तमाम योजनाओं के साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने भी आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया है। और इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रदेश सरकार ने 6,50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में भी सफलता प्राप्त की है। आज मैं आपके सामने एक खुशखबरी और लेके आया हूं। अभी 23, 24, 25 और फिर 30 और 31 अगस्त को पुलिस भर्ती की